हेलो स्टूडेंट सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज शोन इन द फिगर बिलो तो ये फिगर है हमारी और इसमें फिजिबल रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स सो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सप्स टू वाई ग्रेटर इकोल टू फोर एक्स प्लस वाई लेस देंोल टू थ्री एक्स ग्रेटर टू जीरो वाई ग्रेटर इकोल टू जीरो ऑप्शन टू में दिया एक्स प्लस टू वाई लेसन इक्ल टू फोर प्लस वाई लेन इक्ल टू थ्री एक्स इज ग्रेटर दें एक वाई इस ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हमारे इसमें दिया हुआ है एक्स ग्रेटर दें इक्वल टू वाई ग्रेटर इक्व टू जीरो सेकंड ऑप्शन में भी थर्ड ऑप्शन में दिया एक्सप्ल टू वाई ग्रेटर इकोल टू फोर एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू थ्री एक्स ग्रेटर टू जीरो वाई टू जीरो ऑप्शन में दिया है एक्सप्ल टू वाई ग्रेटर इक्ल टू फोर एक्स प्लस वाई ग्रेटर टू थ्री एक्स लेस टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो सबसे पहले देखिए हमारा जो रीजन है फिजिबल रीजन जो दिख रहा है हमारा फोर्थ और सॉरी फर्स्ट क्वार्डन में ही शेडेड है अगर फर्स्ट क्वार्डन में शेडेड है तो हमारा पक्का ही पक्का एक्स ग्रेटर देन टू जीरो वाई ग्रेटर देन टू जीरो होगा तो सीधा ही हमारे देखिए ये वाला ऑप्शन तो कट और हाँ बाकी इन तीन में से हो सकता है अभी पॉसिबिलिटी ना हमारी एक इक्वेशन की लाइन क्या दी हुई है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर अब हमारे पास ये देखिए ओरिजिन की तरफ ना करके इसके ऑन द अपोजिट साइड द ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स प्लस टू वाई अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे और लाइंस दोनों इंक्लूडेड है इक्वल तो पक्का आएगा तो यहाँ पे या तो ग्रेटर दें इक्वल टू फोर होगा या तो एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू फोर होगा जिस जो ओरिजन को सेटिसफाई नहीं करेगा वही हमारा करेक्ट होगा तो क्या जीरो प्लस ज़ीरो ग्रेटर इक्वल टू फोर होता है नहीं ना तो इसका मतलब है कि सेकेंड वाला जो है हमारा ये वाला ऑप्शन में नहीं होना चाहिए तो एक्स प्लस टू वाई क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर ये लेंगे ये तो दो आ चुकी है हमारे पास इसके अलावा दूसरी इक्वेशन की है हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री अच्छा इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी ग्रेटर इक्वल टू थ्री होगा क्योंकि इक्वल मैं इसलिए क्योंकि दोनों लाइन इंक्लूडेड है हमारी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू थ्री अब इसमें आप देखेंगे कि ओरिजिन जो सेटिसफाई नहीं करेगा तो जीरो प्लस जीरो का ग्रेटर टू थ्री होता है नहीं तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर कंसडर कर जाएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ही कंसिडर करा जाएगा तो ये चार हमारे कंस्टेंट्स आएंगे इसमें जिससे हमारा ये फिजिबल रीजन आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई नहीं तो इसमें आप देख पे करें थर्ड ऑप्शन में हमारा ये सही मैच कर रहा है एक्सप्ल टू वाई ग्रेटर इनको टू और एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्व टू थ्री एक्स इज ग्रेटर दिन टू जीरो वाई ग्रेट तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक